तो क्या चल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन। और भाई आज भी मेरे पास काफी सारे स्टोरीज है पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, आज का फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट गौरव जोन। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि गौरव जोन एक सॉन्ग निकालने वाले, उन्होंने नहीं बताया था किस टाइप का सॉन्ग होने वाला है, बट आज उन्होंने ये गाना रिलीज कर दिया एंड लुक्स लाइक की एक डिस ट्रैक था। इस गाना में उन्होंने अपने हेटर्स को, मेन स्ट्रीम मीडिया को एंड कुछ यूट्यूबर्स को डिस किया। तो उन्होंने कौन से पर्टिकुलर यूट्यूबर्स को डिस किया, उन्होंने इमेजेस भी दिखाया था अपने म्यूजिक वीडियो में। वो डिस किए थे गट्सी लड़का, एंडी गुजर, न्यूज़बॉय, एसआरवी व्लॉग्स एंड लक्ष्य चौधरी को। सो अगर आपको गाना सुनना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया, बट कुछ यूट्यूबर्स का रिएक्शन देख लेते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल लक्ष्य चौधरी अपने स्टोरी में ये कहे, हाय गौरव जोन भाई, पड़ी लकड़ी लेने का इतना शौक क्यों है? आओ तुम्हारा पिस ट्रैक ब्रेक डाउन करते हैं फुल बलून्स लगाकर। आई वॉज द गाय जो ट्विटर स्पेस में गोबर जोन को डिफेंड कर रहा था ओवर द डॉग वाला इंसिडेंट, बट गोबर भाई प्रूव कर दिए कि वो एक सेल्फ मेड कार्टून है। राज्य को गौरव जोन ने डिस कर दिया अपने यूट्यूब विच। वो बोला सारे रोस्टर है कुत्ते, वो एक गौरव जोन है, मैं तेरे डिस्को रखता हूँ उत्ते। एंड ऑल्सो ऑन दी अदर हैंड गट्सी लड़का भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट किए, यार ये दोनों एक टाइम पे क्यों करते हैं, अब समझ नहीं आ रहा किस पे वीडियो बनाऊं पहले। ही इज टॉकिंग अबाउट YPM व्लॉग्स एंड गौरव जोन ओवर हियर, क्योंकि इनका सीन वापस से YPM व्लॉग्स के साथ कुछ हुआ है। इट्स प्रीटी सिमिलर टू व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम। मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना हूं इस चीज के ऊपर, आपको देखना है तो जाके देख सकते हो। बाकी आप लोग भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने अगर गाना सुना तो कैसा लगा एंड आपका क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर। एनीवेज, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सॉन्ग के बारे में। सो इस सॉन्ग का नाम है 52 गज का दामन, एंड जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि दे क्रॉस्ड 1 बिलियन व्यूज विद इन 8 मंथ्स। जी हां, 8 महीने में 1 बिलियन व्यूज इज नॉट रियली अ जोक। एंड देसी रिकॉर्ड्स जिनके चैनल में ये सॉन्ग अपलोड हुआ है, उन्होंने पोस्ट करके ये बताया, साहिल संधु द मैन बिहाइंड अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ 52 गज का दामन हैज हिट 1 बिलियन व्यूज। एंड फोटो में आप देख सकते हैं लिखा हुआ इंडियाज फास्टेस्ट 1 बिलियन प्लस व्यूज। सो या ह्यूज कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम जो भी है म्यूजिक वीडियो में इन्वॉल्व थे। एनीवेज, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं बाबा का ढाबा के बारे में। तो आपको याद होगा लास्ट टाइम बाबा का ढाबा एंड स्वाद ऑफिशियल जो इनिशियली वीडियो अपलोड किए थे एंड वायरल हुआ था, इन दोनों के बीच में कुछ क्लैश हुआ था एंड काफी कॉन्ट्रोवर्सीज एंड लीगल केसेस वगैरह भी हुआ था। सो फाइनली बाबा ने गौरव वसन दैट इज स्वाद ऑफिशियल से माफी मांगी है एंड कहा है कि वो चोर नहीं थे। इसके ऊपर गौरव वसन भी रिएक्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम में ये पोस्ट किए, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, गलती करने वाले से बड़ा गलती माफ करने वाला होता है, मेरे माँ बाप ने हमेशा यही सीख दी है। तो इट लुक्स लाइक कि दोनों के बीच में जो ये क्लैश था इट्स क्लियर नाउ एंड इन दोनों के बीच में बातचीत हो चुकी है, विच इज अ ग्रेट थिंग। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले निखिल कामथ के बारे में। तो अगर आप इनको नहीं जानते तो ही इज इंडियाज यंगेस्ट बिलियनर एंड द को-फाउंडर ऑफ द ऐप जीरोधा। अब हुआ क्या कि 2 दिन पहले चेस्कॉम इंडिया अपने चैनल में एक फंड रेजर चैरिटी स्ट्रीम रखे थे, जहां पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे लाइक आमिर खान, अरिजीत सिंह एंड विश्वनाथन आनंद। बट इस स्ट्रीम का एक मैच बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था, वो था द मोमेंट वेन निखिल कामथ बीट विश्वनाथन आनंद। बट ये मैच के बाद बहुत सारे लोग फ्रॉम द चेस वर्ल्ड कॉल आउट करने लगे निखिल को और चीटिंग इन द गेम। सो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए निखिल अपने ट्विटर में एक स्टेटमेंट डाले, जहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया था, आई हैड हेल्प फ्रॉम द पीपल एनालाइजिंग द गेम कंप्यूटर्स एंड द ग्रेशियसनेस ऑफ आनंद सर हिमसेल्फ टू ट्रीट द गेम एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो यहां पे क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया उन्होंने हेल्प यूज किया था। सो पीपल फ्रॉम द चेस वर्ल्ड आर नॉट रियली हैप्पी अबाउट दिस, क्योंकि एक चैरिटी इवेंट में ऐसा करना वॉज नॉट रियली फन। एनीवेज, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एक यूट्यूबर के बारे में जिनका नाम है MadanOp। नाउ ही इज अ गेमिंग यूट्यूबर फ्रॉम तमिलनाडु। आई पर्सनली डोंट नो हिम क्योंकि ऑफ कोर्स द लैंग्वेज बैरियर, बट रिसेंटली ही हैज गॉट इनटू सम ट्रबल फेसिंग एलिगेशंस ऑफ अब्यूज। पॉपुलर चेन्नई यूट्यूबर MadanOp अब्सकॉन्डिंग, जहां पे लिखा हुआ एटलीस्ट 2 पीपल हैव फाइल्ड कंप्लेंट्स अगेंस्ट मदन विद द साइबर क्राइम पुलिस, एलिजिंग ही यूजेस ऑब्सीन लैंग्वेज ऑनलाइन व्हेन पीपल डिसएग्री विद हिम, इज ऑफन हर्ड अब्यूजिंग वुमेन एंड बिहेव्स इनअप्रोप्रिएटली विद माइनर्स। आगे इसमें चेन्नई सिटी के एक पुलिस कमिश्नर का भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, जहां पे वो कहे कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट हिम अगर कुछ ऑब्जेक्शनेबल कॉन्टेंट ढूंढा जाता है उनका। सो या दिस लुक्स काइंड ऑफ सीरियस, लेट्स सी आगे क्या होता है इसमें। एनीवेज, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। सो हर्ष बेनीवाल अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताए कि इट विल बी हिज बिगेस्ट प्रोजेक्ट एंड कब वो आने वाला है। हु किल्ड जेसिका मार्क द डेट 19th June 2021, बिगेस्ट एंड मोस्ट अमेजिंग प्रोजेक्ट ऑफ टीम हर्ष बेनीवाल। सो या लेट्स वेट फॉर हिज वीडियो एंड सी कैसा होता है ये। एनीवेज, तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेथ ने कंप्लीट कर चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स, देन आई एम बिक्सू ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन इमरान खानवर्ल्ड ने कंप्लीट कर चुके
हैं 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली GW मनीष को मिल चुका उनका गोल्डन प्ले बटन। सो मैनी कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। एनीवेज तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले एनिसॉन गिब वर्सेस टेलर होल्डर के बॉक्सिंग मैच के बारे में। सो यार जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मैच को लोग फिक्स्ड बोल रहे थे, फेक बोल रहे थे, क्योंकि गिब क्लियरली वन दिस मैच एंड इसको ड्रॉ अनाउंस कर दिया गया था। बट यार गाइस द डिसीजन हैज बीन ओवरटर्न्ड एंड गिब को विनर अनाउंस कर दिया गया। यहाँ एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया गया था इस चीज के ऊपर जहां पे वो गिब को अपोलोजाइज किए एंड कहे कि दिस वॉज प्लेन एंड सिंपल ह्यूमन एरर एंड यार गिब क्लियरली वन दिस मैच। तो यार कांग्रेचुलेशन टू हिम फॉर दिस। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं लडविग के बारे में। तो ये अपने चैनल में लास्ट 600 प्लस डेज से कंसेक्यूटिवली वीडियोस अपलोड कर रहे थे एंड ये पूरा एक स्ट्रीक चल रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली ये स्ट्रीक ब्रेक होने वाला था। क्यों? उन्होंने ट्वीट करके बताया, आई हैव जस्ट गॉट बैंड ऑन YouTube फॉर अ वीक आफ्टर अ वीडियो गॉट फ्लैग्ड फॉर चाइल्ड सेफ्टी। दिस मींस द एंड ऑफ माय 618 डे अपलोड स्ट्रीक। द फर्स्ट टाइम आई वोंट अपलोड अ वीडियो इन ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। सैड डे। बट उसके बाद टीम यूट्यूब ने इनको रेस्पॉन्ड किया एंड अपेरेंटली दिस प्रॉब्लम वॉज फिक्स्ड। उन्होंने कहा कि उनके टीम ने इसको रिव्यू कर लिया और उनके वीडियो को वापस कर दिया गया विद द एज रेस्ट्रिक्शन। सो अब वो वीडियोस अपलोड करना कंटिन्यू कर सकते हैं। एनीवेज चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतने। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको मेरे को कोई न्यूज भेजना हो तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके अगर आप कोई पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।